फरीदाबाद में समाजवादी पार्टी का 18 अक्टूबर को जिला मुख्यालय दवरी पर होगा विशाल धरना प्रदर्शन। सपा जिला अध्यक्ष रमेश चंद चंचल और एमएलसी दिलीप यादव आदि नेताओं ने संयुक्त रूप से दी जानकारी। 13 बिंदुओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी, जिसमें महंगाई, तीनों कृषि बिल, स्वास्थ्य सेवाएं, गन्ना भुगतान, किसानों के बिजली बिल माफ, फीस वृद्धि, कानून व्यवस्था, जातिगत जनगणना, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, पुरानी पेंशन बहाल, शिक्षा मित्रों को स्थायी अध्यापक नियुक्त किए जाने पर बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में होगा धरना प्रदर्शन। जनता की जीवन की समस्या है, जैसे पेट्रोल के दाम लगभग 100 रुपए के करीब हो, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ गए, बेरोजगारी पर सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और जातिगत जनगणना की चारों तरफ से मांग होने के उपरांत भी आज तक सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। किसानों की समस्या आप देख रहे हैं, पिछले लगभग एक साल के करीब होने जा रहा है, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बात आज तक सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इन्हीं सब तरह की समस्या को लेकर जैसे अध्यापक है, अध्यापक तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां अन्य लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के काम के लिए पर नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर 18 तारीख को एक बृहद धरना प्रदर्शन का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया है। इसी संदर्भ में ये प्रदर्शन, ये जो धरना प्रदर्शन है आपका प्रदेश व्यापी मतलब ये धरना प्रदर्शन माननीय सांसद अक्षय यादव जी के निर्देशन पर जिला स्तर पर बैठक में अगर प्रशासन द्वारा धरने के दौरान कोई अनुमति या कोई परमिशन नहीं दी जाती है तो क्या माना जा सकता है धरने को? हमने परमिशन के लिए अपना प्रावधान पत्र दे दिया है, अब जो प्रशासन की मर्जी है वो अनुमति देंगे या नहीं देंगे वो जानते। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर किस तरीके का? कोरोना में हम लोग अपने कोरोना नियमों का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे।